और सहरसा पुलिस ने विदेशी हथियार के साथ एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी संजय झा अपने कुछ सहयोगियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर कहरा के समीप निर्माणाधीन शिव मंदिर प्रांगण में बैठा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छापामारी कर कुख्यात अपराधी संजय झा को उनके सहयोगी रमन यादव के साथ गिरफ्तार किया, जिसके पास से मेड इन जर्मनी एक पिस्टल और एक मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया संजय झा कुख्यात अपराधी है और शहर में दहशत फैलाने के लिए खुलेआम फायरिंग भी कर चुका है। साथ ही भू माफिया होने के कारण पहले से ही कई मामला दर्ज है, तो पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 6 जून को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ, संजय झा पिता नवकांत झा साकिन कहरा इनके निर्माणाधीन शिव मंदिर स्थित के प्रांगण में संजय झा अपने एक अन्य साथी के साथ हथियार लेकर बैठा हुआ है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सदर थाना एवं DIU की सहयोग से छापामारी किया गया, जिसमें संजय झा एवं अन्य व्यक्ति रमन यादव पिता बद्री यादव साकिन बटराहा को अवैध अग्निशास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इनका नाम भूमाफिया के रूप में भी आ रहा, पब्लिक ऑर्डर के लिए एक खतरा बने हुए थे। हथियार के व्यापार में भी इनकी संलिप्तता की जानकारी मिली है। इनके ऊपर अभी तक